तस्वीर के नए एड पर टीवी एक्टर्स का गुस्सा फूटा। रश्मि देसाई ने बताया इसे अपमानजनक। वहीं कई एक्ट्रेस ने दी इस पर राय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड समाचार में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं बॉलीवुड की कुछ खास खबरों के साथ। रश्मि देसाई और सुधांशु पांडे समेत कई जाने माने टीवी एक्टर्स ने बॉलीवुड एक्टर रणवीर कपूर माफ कीजिएगा रणवीर सिंह के नए एड की आलोचना की है। दरअसल इस एड को टीवी सीरियल स्टाइल में शूट किया गया है, जिसमें टीवी शो का मजाक उड़ाया गया है। टीवी इंडस्ट्री में कई सालों से काम कर रही रश्मिका ने इस एड को अपमानजनक बताया है। वहीं प्रोड्यूसर्स रजवान शाही ने इसे घटिया कहा है। वहीं बातचीत के दौरान टीवी इंडस्ट्रीज के कई सारे सेलेब्स ने इस एड पर अपनी अपनी राय दी है। तो आइए जानेंगे आज के अब अपने वीडियो में कि कौन से सेलेब ने क्या राय दी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शायद नतानी घोष की। रणवीर सिंह की फिल्म सर्कस असफल रही, शायद इसीलिए उन्हें अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक टीवी सीरियल का सीन बनाने के बारे में सोचना पड़ा। सच्चाई ये है कि टीवी की ताकत इतनी मजबूत है कि ये कई सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं, और अब समय आ गया है कि टीवी इंडस्ट्री को सम्मान मिले। हम टीवी एक्टर्स भी उतना ही मेहनत करते हैं जितने दूसरे प्लेटफॉर्म के एक्टर्स करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी इसका मजाक उड़ा कर निकल जाए, ये टीवी इंडस्ट्री का अपमान है। कुछ लोग हमेशा टीवी इंडस्ट्री को इडियट बॉक्स और छोटा स्क्रीन कहकर छोटा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन टीवी इंडस्ट्री किसी भी मायने में छोटी नहीं होती। बड़े से बड़े बॉलीवुड एक्टर टीवी पर अपने प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं। हाँ, कुछ शो काफी ड्रामा दिखाया जाता है, लेकिन वो तो फिल्म में भी होता है। तो ये बात इस एक्ट्रेस ने कही है। इसी के साथ नंबर टू पर जो जिनका रिएक्शन है वो है सुधांशु पांडे। सुधांशु पांडे का कहना है कि मैंने इस एड को देखा, दुर्भाग्यवश इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही खराब था। इस एड में एक अमेरिकन पॉर्न स्टार भी है, ऐसा लगता है जैसे कोई गंभीरता ही नहीं है। वास्तव में स्वास्थ्य समस्या या पुरुष के यौन स्वास्थ्य एक गंभीर मुद्दा है। इस मुद्दे पर जागरूकता पैदा करने की जरूरत है, लेकिन सही तरीके से। इस तरह से पूरे विश्व का मजाक उड़ाना और इंडियन टीवी शो पर एक इस तरीके का एड बनाना गलत बात है। इस एड में इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री को बहुत खराब तरीके से पेश किया गया है। ये बहुत ही गैर जिम्मेदार पूर्वक तरीके से दिखाया गया है। पूरा एड एकदम बकवास है। इसी के साथ नंबर थ्री पर जिनने राय दी है वो है सज्जन शाही। उन्होंने कहा है, मेरे हिसाब से बहुत अश्लील और घटिया विज्ञापन है। इस तरह के गंभीर मुद्दों का मजाक बनाना बिल्कुल गलत है। मुझे लगता है कि मेकर्स का लक्ष्य इसे अश्लील बनाकर लोगों का ध्यान आकर्षित करना था। अब समय आ गया है कि गरिमापूर्ण तरीके से बातें कहने पर ध्यान दिया जाए, ना कि इस तरह के कॉन्सेप्ट पर फोकस किया जाए। इसी के साथ फोर्थ नंबर पर रिएक्शन आता है रश्मिका देसाई का। सोशल मीडिया पर अभिनेत्री ने लिखा, मैंने अपना काम रीजनल फिल्म इंडस्ट्री से शुरू किया था और फिल्म टीवी इंडस्ट्री में भी खूब काम किया है। कुछ लोग इसे छोटा पर्दा कहते हैं, जहाँ नॉर्मल लोग शोज के साथ साथ न्यूज़ क्रिकेट सहित तमाम बॉलीवुड की फिल्मों के अलावा बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। ये एड देखने के बाद मुझे पूरी टीवी इंडस्ट्री के लिए और वो लोग जो टीवी के लिए काम करते हैं ये अपमानजनक लगा, क्योंकि हमें हमेशा छोटा समझा जाता है। एक्ट्रेस भी बड़ी स्क्रीन पर काम करना चाहते हैं, हमें हमेशा ऐसे ही ट्रीट किया जाता है। टीवी शो में कभी कुछ गलत नहीं दिखाया जाता, मगर मेरे हिसाब से ये टीवी इंडस्ट्री के लिए एक रियलिटी चेक है, या सही शब्दों में कहूँ तो ये एक थप्पड़ जैसा है। हो सकता है कि मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, लेकिन हम ऑडियंस को प्यार और कल्चर दिखाते हैं। मैं हार्ट हूँ क्योंकि टीवी में मेरी जर्नी सम्मानजनक रही है। उम्मीद है आप मेरे इमोशंस समझेंगे। वहीं दूसरी तरफ दिव्यंका त्रिपाठी और हिबा नवाब जैसे एक्ट्रेस ने इस एड को फनी बताया। दिव्यंका ने बताया कि ये वास्तव में टीवी ड्रामा पर हास्यपूर्ण प्रभाव डालने वाला एक मजेदार विज्ञापन है। वहीं हिबा कहती है, देखिए मैं टीवी इंडस्ट्री में 7 सालों से जुड़ी हुई हूँ, इसके बावजूद मुझे ये विज्ञापन कूल लगा। इसके अलावा करण कुंद्रा, नकुल मेहता
और करण टैकर जैसे कुछ टीवी एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर इस एड की सराहना भी की है। खैर आप ये छोड़िए, कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये जरूर बताइए आपको ये एड कैसा लगा। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि मुझे इस एड को देखना चाहिए, मतलब आपको देखना हो तो आप इसको इजीली यूट्यूब पे देख सकते हैं। मैंने आपको म्यूट वे में हमारी वीडियो में भी थोड़ा सा दिखाया है, तो आप इसका फुल वीडियो यूट्यूब पे इजीली देख सकते हैं, बोल्ट केयर नाम का जो चैनल है उस पे। आपको जो लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और भी ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए बॉलीवुड समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।